देखिए आज जो हुआ सारे कैमरे में कैद है, मैं क्या कहूं, आपका कहे, बीजेपी का कहे, इसमें कोई मतलब नहीं हो सकता क्योंकि सारे चीज कैमरे पे कैद है। आज सुबह आप सब जानते हैं कि 11 से 12 बजे तक हमारा क्वेश्चन आवर की समय होते हैं। क्वेश्चन आवर में जिस मेंबर के नाम लिस्टेड होते हैं, ये लिस्टेड होना बड़ा मशक्कत के साथ काम करने की बात ही होती है, और साथ साथ हम कहते हैं सदन के अंदर तकदीर का भी इसमें मदद देना चाहिए, नहीं तो लिस्टेड क्वेश्चन में अपना नाम शामिल करना बड़ा मुसीबत की और बड़ा मुश्किल की बात है। मैं पिछले 10 सालों से आज तक एक भी क्वेश्चन लिस्टेड नहीं हुई मेरा नाम पे। तो आज सदन में जब राहुल गांधी जी के 9 नंबर क्वेश्चन आई थी, और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ऊपर, तो राहुल गांधी जी सवाल पूछने के लिए अपने स्थान पर खड़ा हुए। स्पीकर को कहा, राहुल जी ये आज 9 नंबर क्वेश्चन मेरे नाम पे है। तो स्पीकर ने कहा कि ठीक है, आप जवाब मांगो, क्वेश्चन पूछो। लेकिन राहुल गांधी का क्वेश्चन पूछने के पहले ही, जब हमारा यहां नियम होते हैं कि क्वेश्चन जिसके नाम पर होते हैं उसके उसकी नाम स्पीकर ने घोषणा करने के तुरंत बाद मंत्री जी को कहने पड़ता कि सारे जवाब सदन की पटल पर रखे गए। जब यह मंत्री जी को यह कहना था कि सारे जवाब सदन की पटल पर रखा गए, तो उन्होंने तुरंत कागज निकाला और पढ़ने लगे। क्या पढ़ने लगे? राहुल गांधी जी कहां क्या भाषण में कहा, वो ठीक नहीं, वो सही नहीं, वो गलत है, तरह तरह की बयानों करते रहे। हम लोग ये पूछा उनको, क्या ये सदन के अंदर राहुल गांधी जी बाहर क्या कहे हैं वो जवाब लेना वाजिब है? हमारे प्रधानमंत्री जी आज कोकराझार में क्या कहेंगे, वो क्या सदन के अंदर दूसरे कोई क्वेश्चन के समय हम पूछ सकते हैं? ये क्या नियमों की अधीन है? ये क्या सदन की नियम कानून के मुताबिक है? उसी समय राहुल गांधी जी को जिस ढंग से मंत्री जी गलत बात कहकर अपमान करने लगे, हमारे कुछ मेंबरों ने उसमें थोड़ा रुष्ट हुई और ओएल में उतर गए। ये मैं मानता हूं ओएल में उतर गए, इसको प्रतिवाद करने के लिए, इसको विरोध करने के लिए, इसको खिलाफत करने के लिए, क्योंकि आज राहुल गांधी जी की जो क्वेश्चन था वो कोई भी मेंबर को अपना हक होते हैं क्वेश्चन करे और जवाब मांगे। लेकिन आज क्या हुआ, राहुल गांधी का जवाब तो नहीं दिया गया, इसके अलावा उनका अपमान किया गया, तो इसलिए हम लोग स्पीकर साहब को जाकर हमारा शिकायत दर्ज किए हैं कि जो मंत्री है हर्षवर्धन जी, एक बड़े सीनियर मंत्री जी है, हम सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है हम लोग अचरज भी हुए हैं कि मंत्री जी जब जवाब देने का समय अचानक कुछ कागज निकल के पढ़ने लगे, लगता है कि ये सुनियोजित एक तरीके से उनको ये पढ़ने के लिए मजबूर किया गया कि जब आपका मौका आएगा ये पढ़ते रहना, जिसमें राहुल गांधी जी के खिलाफ बयान लिखित है। तो ये बड़ा दुख की बात है कि सदन के अंदर नियम कानूनों को उल्लंघन करते हुए देश की स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर आज एक अद्भुत घटना घटाई है। ये हमारे सदन की गरिमा की सवाल है, हमारे अधिकार की सवाल है। क्वेश्चन पूछना हमारा अधिकार होते हैं, ये अधिकार को उल्लंघन किया गया है, उनको ट्रैम्पल किया गया है। इसलिए हम स्पीकर साहब से ये मांग किए हैं, जो मंत्री हर्षवर्धन जी वो सदन में आए, खेद प्रकट करे और हाउस चलाने में
वो मदद करे। हमारी तरफ से भी उत्तेजित होकर हमारे कुछ साथियों ने ओएल तक पहुंचा और इसको विरोध किया, जरूर किए हैं विरोध, हम लोग किए हैं, हम ओएल पे जाके दो चार मेंबर ये विरोध किए हैं। ये कह सकते हैं सत्तारूढ़ पार्टी, ये भी ठीक नहीं है, अगर कहे तो ठीक है, लेकिन हम लोग गए हैं, हम लोग जो किए हैं उससे हम नकारते नहीं, लेकिन इसके बैकग्राउंड को आप सबको देखना पड़ेगा। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।